नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज काफ़ी लंबे अरसे से हम नहीं थे आपके साथ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक बार फिर दोबारा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे फरवरी मार्च के महीने से जुकाम, खांसी और फीवर की जो समस्याएं आ रही हैं, उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो हमें होम्योपैथी मेडिसिन से मिले हैं या होम्योपैथी प्रैक्टिस में जो मेडिसिन यूज की जा रही हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सूखी खांसी आ रही हो गले में, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खुजली जैसा हो रहा है, टिकलिंग सी हो रही हो, कफ नहीं है, तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें आप, या इस तरीके की सूखी खांसी में आराम जो मेडिसिन दे रही है, वो है दोस्तों वैक्सन की 33 नंबर। एक कॉम्बिनेशन आता है लिक्विड में, उसको आप दो दो बूंदें दिन में 3 बार यूज करें, आपको वो सूखी खांसी में राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अगली मेडिसिन है कि खांसी के साथ साथ फीवर भी हो रहा है, शरीर में टूटन आ रही है, खांसी हो रही है, शरीर में टूटन है और फीवर हो रहा है, कई दिन हो गए आराम नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन में आप यूपेटोरियम यूपेटोरियम पर 200 की सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज करें। उसी के साथ में आप ब्रायोनिया 30, ये भी दिन में 3 बार यूज करेंगे, तो आपको जो शरीर में टूटन हो रही है, फीवर आ रहा है और खांसी की समस्या जो आप साथ में परेशान कर रही है, साथ में झेल रहे हो खांसी, तो उसमें आप ये दो मेडिसिन यूज कीजिए, इनसे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। फीवर कंटिन्यू है, सर्दी लग रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, सीवीसी कराते हैं तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, कमजोरी आती है, सीधा सा लक्षण है यदि प्लेटलेट्स कम होंगी अपनी, तो हाथ पैरों की टूटन ऐसा लगेगा जैसे जाने कितने समय से बीमार चल रहे हैं, हाथ पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक सीबीसी जरूर करा लें, सीबीसी में अपना प्लेटलेट्स देख लें, यदि वो डाउन जा रही हैं तो आप यूपेटोरियम 200 ब्रायोनिया 30 का कॉम्बिनेशन एक साथ बना लें, और दिन में यदि फीवर प्रेजेंट है आपको तो आप 10-10 मिनट से 2 से 3 या 4 बार यूज करेंगे तो फीवर आपका कम हो जाएगा, टूटन में भी आराम मिल जाएगा, और फीवर नहीं है तो दिन में यूपेटोरियम पर 200 और ब्रायनिया 30 का कॉम्बिनेशन दिन में 3 बार। इसी के साथ एक दूसरी मेडिसिन है करीका पपाया। करीका पपाया का मदर टिंचर आप दिन में हर 2 घंटे में 10-10 बूंदें यूज करें, आपका जो प्लेटलेट्स कम हो गई हैं वो लेवल धीमे धीमे बढ़ने लग जाता है। लिक्विड डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, पानी पीते रहें यदि आपको और चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लग रही हैं तो, लेकिन लिक्विड डाइट रेगुलर रखें, जूस हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, तो इस तरीके से आप लिक्विड डाइट अपनी बनाए रखें, इससे प्लेटलेट्स बढ़ेंगी, बॉडी में एनर्जी भी आएगी, और जो एक डेंगू जैसे जो सिम्टम्स आ रहे थे, डेंगू पॉजिटिव नहीं आ रहा है लेकिन डेंगू जैसे सिम्टम्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इनकी सिम्टम्स ऐसा लग रहा है जैसे डेंगू के हैं लेकिन टेस्टिंग में नहीं आता है, उस कंडीशन में आप इन मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। यूपेटोरियम पर 200 ब्रायनिया 30 और करिका पपाया, हाथ पैरों में टूटन, फीवर, इस तरीके के लक्षणों में आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको राहत मिल जाएगी।
आपको खांसी, जुखाम, बुखार तीनों हैं और डेंगू पॉजिटिव हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप करी का पपाया का मदर टिंचर, साथ में एजेडी रेक्टा इंडिका का मदर टिंचर, ये दोनों मिक्स करके दिन में 2-2 घंटे के अंतर से हल्के से गुनगुने पानी में लेते रहें। इसी के साथ यूपेटोरियम पर 200 मेडिसिन यूज करें। सर्दी भी लग रही है तो आप जैल्सीमियम 30 यूपेटोरियम के साथ ही मिक्स करके लेते रहें। इनसे काफ़ी राहत मिलेगी आपको जो दिक्कतें आ रही है। बाकी केवल खांसी है और कुछ नहीं है, गले में हल्का सा खकारने पे या खांसने पे हल्का सा कफ निकलता है। खांसी रात में ज़्यादा परेशान करती है, तो आप उस कंडीशन में रूमेक्स 30 दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। सभी मेडिसिंस के नाम में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लें। वीडियो 1-2 बार जरूर देखें, क्योंकि मेडिसिन में थोड़े थोड़े लक्षणों पे ही मेडिसिन चेंज हो जाती हैं, तो कंफ्यूज ना हो। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई समस्या है आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपकी उस परेशानी को दूर करने के लिए। बाकी सभी से आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से रहें। नमस्कार दोस्तों।